मुझे कई बार कहते हैं कि पंजाब के लिए आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं, कई लोगों ने पूछा। मैं हमेशा उनको कहता हूं, पंजाब हिंदुस्तान का जिगर है, जिगरा है भाई, पंजाब के बगैर देश का सम्मान नहीं। और इस पंजाब की भूमि में जब देश के अंदर भूख थी तो पंजाब ने देश की भूख मिटाने का काम किया, अन्न के भंडार भरे और देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का काम किया। और मैं जब यहां आया हूं तब सरदार करता सिंह सराभा को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, आप एनडीए के तीनों घटकों चुनताइए, तीनों पार्टी को चुनकर सरकार बनाने का मौका दीजिए, लुधियाने की साइकिल को हम दुनिया भर में पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, यहां के किसान और यहां के उद्योगपतियों ने पूरे देश का सम्मान बढ़ा है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब हमारा घोषणा पत्र, एनडीए का घोषणा पत्र आपके सामने है, मगर मैं तीन ही मुद्दों पर ज्यादा बात करना चाहता हूं। पंजाब देश का सीमांत राज्य है, सुरक्षा पर बात करना चाहता हूं, नशे पर बात करना चाहता हूं और किसानों की समस्या में क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की बात करना चाहता हूं। मित्रों, आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? ये चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है, जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या, बताइए, हो सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं। पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में पाकिस्तान से रोज आतंकवादी घुसते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, परंतु वो आतंकवादियों की घटना के सामने केंद्र की सरकार उफ नहीं करती। उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनको लगा कि पहले जैसा ही होगा, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। पंजाब के हर घर से सुरक्षा सेवाओं में युवा है। हमारी सीमाओं पर पंजाब का बेटा, पंजाब का युवा, चाहे नॉर्थ ईस्ट जाइए, चाहे कच्छ के रेगिस्तान में जाइए, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में जाइए, चाहे पंजाब जम्मू कश्मीर में जाइए।